नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद बीजेपी पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता अभियान के तहत जन जागरण सभा को आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंदुस्तान की ताकत का जिक्र करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता को अनुच्छेद 370 हटाने से देश और जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी पूरी बारीकी से लोगों को समझाया। केंद्रीय मंत्री ने अपने और सरकार द्वारा लिए गए साहसिक कदम में 370 और 3 तलाक का जिक्र किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद जनता को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के साथ साथ अलगाववादी नेताओं और पाकिस्तान के इमरान खान की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली, जबकि रविशंकर प्रसाद ने नेहरू द्वारा धारा 370 लागू करने की सोच को भी गलत ठहराया। रविशंकर प्रसाद ने 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार की तरफ से विश्वास दिलाते हुए कहा कि किसी भी कश्मीरी आवाम की जमीन नहीं जाएगी, उनकी जमीन के अधिकारियों को सम्मान किया जाएगा। विकास के लिए, फैक्ट्री के लिए, आईआईटी के लिए जो सरकारी जमीन है उनका उपयोग किया जाएगा, और वो भी सिर्फ उनके विकास के लिए। रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और चैन का माहौल है। वहां से कर्फ्यू को हटा दिया गया, जबकि वहां इसके बाद से एक भी गोली नहीं चलने की है, और उन्होंने ये चीज दावा किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर वहां कोई गड़बड़ करेगा तो उस पर सरकार जबरदस्त कार्रवाई भी करेगी। अलगाववादी नेताओं पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 2-3 परिवारों की जिम्मेदारी चलती थी, जिसे हम लोगों ने मुक्त कराया है। 370 के बहाने जम्मू कश्मीर में लूट करो कोई पूछने वाला नहीं है कि तर्ज पर काम किया जा रहा था, और धारा 370 सिर्फ आतंकवाद अलगाववाद का प्लेटफॉर्म बना हुआ था। पीडीपी के साथ बीजेपी का अलग होने का कारण महबूबा मुफ्ती को दोषी ठहराया और कहा कि हमने रिश्ता इसलिए तोड़ा कि उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में रोड़ा डाल रही थी। अलगाववादी नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते थे और जम्मू कश्मीर के स्कूलों को आतंकवादियों के हाथे चलवाते थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सेना भेज दी, 4 दिन में सरेंडर कर गए। याद करिए 47 में पाकिस्तान ने हमला किया था। सरदार पटेल चाहते थे कि जो रजा कर रहे थे पाकिस्तान भाग रहे थे, पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी ले लो, पूरा कश्मीर हमारा है, उसके बाद यूएन जाएंगे। निर्णय का नहीं, हम लोग चलते हैं, यूएन से शांति की बात करेंगे। वो प्रिय होने का नासूर आज तक है। याद करिए 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से विजय प्राप्त की थी, हम सबने अभिनंदन किया था। 95,000 पाकिस्तान के सैनिक भारत में प्रिजनर ऑफ वॉर थे, याद है ना, युद्धबंदी। शिमला समझौता हुआ, बिना कश्मीर को ठीक किए इंदिरा जी ने सबों को वापस जाने दिया। ये दूसरी गलती, एक गरीबी में पैदा हुआ एक और भारत का प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री, जिसने 65 युद्ध में हिम्मत दिखाई थी, नीति ने उनको जल्दी उठा लिया। और आज जब अवसर आया तो भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसमें साहस की कोई कमी नहीं है। भारत सरदार पटेल के प्राइवेट सेक्रेटरी, उनका नाम था मिस्टर, मैं भूल रहा हूं, एक मिनट शायद अगर मेरे पास हो तो, मैंने कहा था अपने पीए पर रखने के लिए, हाँ वी शंकर, ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे आईसीएस। जबकि जो 70 बना तो उन्होंने पूछा
रात में खुदा मैंने किसान ने क्या कर दिया। और आदरणीय नरेंद्र बाबू, आपने श्रद्धा बाबू की बात की, जब 370 पर भारत पड़े तो क्या राजेंद्र बाबू, क्या सरदार पटेल, क्या भीमराव अम्बेडकर, सबने विरोध किया था ये देश को टुकड़े टुकड़े में ले जाए, नहीं माना चाहिए। नेहरू जी अमेरिका में थे, बार बार सरदार करते हैं कि भैया मान जाओ मेरी इज्जत की बात। तो भी शंकर ने पूछा कि सर आपने क्या किया, जाता था और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई सख्त नहीं होने में वहां की सरकार बाधा करती है। आज मैं कह सकता हूं कि महबूबा मुफ्ती से हमने रिश्ता इसलिए तोड़ा कि उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई में रोड़े डालने का काम कर रही है। हमारी सरकार नहीं झुकती आतंकवाद के खिलाफ। याद करिए, आप लोग टीवी देखते हैं ना, हर 15 अगस्त 26 जनवरी को कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा कुछ घरों पर फहराया जाता है, याद है ना। इस बार किसी की हिम्मत हुई क्या? ये मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी के मंत्री हैं, अब ये काम नहीं होने दिया जाएगा। जब से कर्फ्यू हट गया है, नेक बात है, गड़बड़ करोगे तो जबरदस्त कार्रवाई। आज कश्मीर के लोगों को लग रहा है, आज मैं सही, आज मैं यहां बात कर रहा हूं, बिहार में मंडल मिश्रण की बात होती है, मैं कश्मीर बहुत घूमा हूं, गडकरी के अध्यक्ष में पार्टी का मान सुखा तो राजनाथ जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी कश्मीर के हाल को स्टडी करने। मैं 15-20 साल में कश्मीर गया था, हर जगह लद्दाख में गया था, कारगिल गया था, अनंतनाग गया था, राजौरी गया था, डोडा गया था, श्रीनगर कई बार गया। आपको बताएं एक अजीब महामारी, जितना लोग कर रहा है करो, आतंकवादियों को संरक्षण दो, कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे में आज 370 खत्म हुआ है और हमें आपको क्या वादा कर रहा है, कश्मीर का क्या सिर्फ मुस्लिम का कश्मीर का है क्या? कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहते हैं कि नहीं? क्या बदलोगी की उनके साथ वहां सिख रहते हैं कि नहीं? वहां बुद्धिस्ट रहते हैं कि नहीं? और कश्मीर में शंकराचार्य रहते हैं कि नहीं? उनका वहां पर महान मंदिर है कि नहीं? कश्मीर में बर्फानी बाबा अमरनाथ है नहीं? ये सब मिलाकर जम्मू कश्मीर बनता, लेकिन बस 2-3 परिवारों ने कश्मीर को अपनी जिम्मेदारी बनाया हुआ। तो आज वहां के आम लोगों की आवाज सुनी जाए। और 370 आने के बाद क्या हुआ है, सेना में भर्ती हो रही है, वो भर्ती कई पहाड़ के मुस्लिम इलाकों में हो रही है। आपको मालूम है हर कानून का पहला क्लॉज है ये पूरे भारत में लागू होगा लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं था, लूट करा पूछे वाला क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं लागू। भारत में एक कानून है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, वर की शादी 21 साल, वधु की शादी में उम्र 18 साल, और इससे नीचे आकर लंदन के 2 साल की सजा है, ये कानून भी कश्मीर में लागू नहीं। अगर कश्मीर की कोई मुस्लिम बेटी दिल्ली के मुस्लिम नौजवान से शादी कर ले तो अपने घर के सारे अधिकार, पिता की संपत्ति सबसे बेहतर। अगर जम्मू की कोई हिंदू बेटी दिल्ली के हिंदू बेटे से शादी कर ले तो सारी संपत्ति से बेहतर। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी है और इंडियन रेवेन्यू सर्विस का, उसकी पत्नी भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की है, अच्छी अवसर है। तो मिलने आए कि आपके आंसू थे सर, पहली बार हमने मोदी जी पर बहुत गर्व है आप पर। तो क्या बात, क्योंकि हमने शादी किया जम्मू से बाहर, इसे मैं भी अपने परिवार के सारे अधिकार से बेहतर।
एक काम में सुनिए आपको नजर बाबू राजकंदर बाबू आशा जी पुण्य जी सब लोग सुनिए, सर पर मैदा लेके घूमना बना है, ये कानून बना हुआ है, भंग की मुक्ति आज वर्तन करते इसे कहते हैं तो अंग्रेजी का लंबा नाम है, वो भी कानून जम्मू कश्मीर लागू नहीं होता क्योंकि क्योंकि वो भंग की मुक्ति कानून है तो आपको उसको इज्जत देनी पड़ेगी, वो बाल मृत्यु से स्वतः साफ कराते हैं लेकिन नागरिकता का अधिकार नहीं देते, ये वहां चलता है। ये 370 सिर्फ आतंकवाद अलगाववाद का प्लेटफॉर्म था, और ये आतंकवादी क्या करते, उनके बेटा पढ़ेंगे अमेरिका इंग्लैंड के स्कूल में और वो कश्मीर के स्कूल में जलवाते हैं, पाकिस्तान से टनों पैसा आता था मनी लॉन्ड्रिंग में, कोई भी पूछने वाला नहीं। तो फिलहाल इतना ही, तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।